हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से यहाँ पर एक बम्पर रिक्रूटमेंट का नोटिस जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर बहुत सारे पोस्ट में आप लोग का रिक्रूटमेंट होने वाला है। अगर हम नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो यहाँ पर जो है 1186 वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है। जी हाँ दोस्तों, 1186 वैकेंसी यहाँ पर जो है रखा गया है आप सभी के लिए, जहाँ पर बहुत सारे पोस्ट में आप लोग का रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो यहाँ पर टोटल जो है 5 यहाँ पर जो है नोटिस दिया गया है। इन 5 नोटिसों में आप लोग का यहाँ पर ये जो वैकेंसी है फिलअप होने वाला है। तो हम लोग एक एक करके बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो दिया गया है वो है फिजिसिस्ट कम रेडियो रेडिएशन सेफ्टी की तरफ से यहाँ पर जो है टोटल 32 वैकेंसी रखा गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास यहाँ पर मास्टर डिग्री होना होगा फिजिक्स के ऊपर और इलेक्ट्रॉनिक्स और बायो फिजिक्स के ऊपर। उसके साथ आप लोग को पोस्ट का जो डिग्री होना होगा और पोस्ट का जो डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं इन रेडियोलॉजिकल और मेडिकल फिजिक्स के ऊपर। उसके साथ आप लोग के पास यहाँ पर जो है एक सर्टिफिकेट भी होना होगा। तो उसके बाद यहाँ पर बोला कि आप लोग का एज 45 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पर आप लोग को एक एप्लीकेशन फ़ीस भी देना होगा। इसको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो है 210 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस आप लोग को देना होगा। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट SC ST और PWD है तो उनके लिए यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इसको अप्लाई करने के लिए आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, जहाँ पर WBHRB.in यहाँ पर आके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा। वो भी इसके लिए जो डेट दिया गया है वो है 10/1/2020 से लेकर 20/1/2020 के बीच में आप लोग को अप्लाई कर देना होगा। दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं जो दूसरा नोटिस दिया गया उन सभी नोटिसों के बारे में। तो उसके बाद जिन पोस्टों के बारे में यहाँ पर बोला गया है फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए, जिसके लिए यहाँ पर बोला गया है कि तो उसके बाद जिन पोस्टों के बारे में यहाँ पर बोला गया है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 3 के लिए, जिसके लिए यहाँ पर बोला गया कि टोटल 16 वैकेंसी यहाँ पर रखे गए हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास HS पास होना होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी से। उसके साथ आप लोग को बोला गया है कि HS में आप लोग को इन सभी सब्जेक्ट होना होगा विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आप लोग का होना होगा। उसके साथ आप लोग को 2 ईयर डिप्लोमा होना होगा फार्मेसी के ऊपर। उसके साथ आप लोग को ए कैटेगरी फार्मासिस्ट आप लोग को रजिस्टर होना होगा, जिसके लिए यहाँ पर एज 18 साल से लेकर 39 ईयर के बीच में होना होगा। जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, जिसके लिए एक एप्लीकेशन फ़ीस भी आप लोग को देना होगा 160 रुपीज़ का। तो इसके लिए यहाँ पर बोला गया कि जो जो कैंडिडेट SC ST और PWD है तो सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग को अप्लाई करना होगा WBHRB.in यहाँ पर आके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा। जिसके लिए यहाँ पर बोला गया कि जो डेट यहाँ पर दिया गया है उन सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 22/1/2020 से लेकर 29/1/2020 के बीच में आप लोग को अप्लाई कर देना होगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो और एक नोटिस दिया कि उन सभी के बारे में। तो उसके बाद ये जो नोटिस दिया गया है, इस नोटिस में यहाँ पर बहुत सारा पोस्ट दिया गया है। इन सभी पोस्टों में आप लोगों के लिए 863 वैकेंसी यहाँ पर रखा गया है, जहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितना सारा वैकेंसी बेसिकली दिया गया है। तो यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट पद में आप लोग का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन आप लोग के पास HS होना होगा विथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। उसके साथ आप लोग को 2 ईयर का डिप्लोमा इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर भी होना होगा किसी भी बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और अगर आप लोगों के पास बैचलर डिग्री है इन मेडिकल टेक्नोलॉजी के ऊपर तो भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप लोगों के पास 1 ईयर का डिप्लोमा है इन कोर्स के ऊपर तो भी अप्लाई कर सकते हैं। जिसके लिए यहाँ पर एज बोला गया कि 21 ईयर से लेकर 39 ईयर के बीच में आप लोग का एज होना होगा। तो यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा रिजर्व कैंडिडेट को। इसके लिए आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, जिसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर आप लोग को 160 रुपीज़ का देना होगा। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट SC ST और PWD है तो उन सभी के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग को अप्लाई करना होगा WBHRB.in तो यहाँ पर आके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर डेट दिया गया है। तो यहाँ पर जो लास्ट डेट दिया गया वो है 20/1/2020 के अंदर आप लोग को अप्लाई कर देना होगा। तो आप लोगों का जो वेबसाइट का लिंक खोलने वाला है वो 10 तारीख को, 10/1/2020 को। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं जो एक और नोटिस दिया गया उन सभी के बारे में। तो यहाँ पर जो नोटिस दिया गया है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर पद में, जहाँ पर 243 वैकेंसी रहे यहाँ पर रखा गया है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास बैचलर डिग्री होना होगा होम्योपैथी के ऊपर। तो उसके साथ आप लोग को रीड स्पीक एंड राइट होना होगा बंगाली लैंग्वेज के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर बोला गया कि आप लोगों का एज यहाँ पर 40 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा रिजर्व कैंडिडेट को, जिसके लिए यहाँ पर फीस आप लोग को एक देना होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के लिए 210 रुपये का। तो यहाँ पर SC ST और PWD कैंडिडेट को कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं WBHRB.in तो यहाँ पर आकर आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, वो भी इसके लिए जो यहाँ पर डेट दिया गया है
यहाँ पर 30/12/2019 से लेकर 7/1/2020 के बीच में आप लोग को अप्लाई कर देना होगा। तो उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जी एक और नया नोटिस दिया कि उसके बारे में। तो उसके बाद फिजियोथेरापिस्ट ग्रेड थ्री पदों के लिए यहाँ पर जो है टोटल 32 वैकेंसी रखे हैं, जिसके लिए क्वालिफिकेशन आप लोग के पास HS पास होना होगा, किसी भी वेस्ट बंगाल काउंसिल और यहाँ पर जो है इक्विवेलेंट किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो उसके साथ आप लोग को इन सभी सब्जेक्ट होना होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आप लोग का सब्जेक्ट होना होगा। तो उसके साथ आप लोग को 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना होगा इन फिजियोथेरापिस्ट के ऊपर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसके लिए यहाँ पर एज 39 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए यहाँ पर आप लोग को एप्लीकेशन फ़ीस देना होगा एक 160 रुपीज़ का, जिसके लिए यहाँ पर बोला गया कि आप लोग के पास जो जो कैंडिडेट SC ST PWD हैं उनके लिए पर कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस देना नहीं पड़ेगा। दोस्तों इसको अप्लाई करने के लिए आप सभी को WBHRB.in यहाँ पर आके आप लोग को ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देना होगा, जिसके लिए यहाँ पर डेट बोला गया है कि तो यहाँ पर 22/1/2020 से लेकर 29/1/2020 के बीच में आप लोग को अप्लाई कर देना होगा। दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग से शेयर करनी थी, तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय।